और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और मेरा रोल जो जैसा कि मैं करता आया हूँ विलेन का वो कर रहा हूँ दिलीप भाई से रोल कर। और इसमें भी हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। वेब गर्ल का पोस्टर हम लोगों ने रिलीज़ किया और बैचलर पार्टी का लॉन्चिंग में हम लोग आए हैं दोनों भाई अली खान साहब और दिलीप सैन। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस पूरे यूनिट को, इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर और सारी स्टार कास्ट को। नमस्कार। मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मुबारकबाद देना चाहूँगा और शमीम भाई को जिन्होंने टीफा का अवार्ड का अनाउंसमेंट किया और योगेश लखानी जी का जो हमेशा प्रमोट करते हैं न्यू अपकमिंग एक्टरों को, अपकमिंग डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को। तो ये ऐसे टीम वर्क बॉलीवुड अड्डा अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पॉट है, जगह है जहाँ से बहुत हंगामा होता है। मैं मुबारकबाद दूँगा कमाल को जिसने बड़े खूबसूरत ढंग से अपना अच्छा रोल प्ले किया है। और इस बार इस फिल्म में मैं भी काम कर रहा हूँ। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अली भाई इंडस्ट्री के एक ऐसे लेजेंडरी, ऐसे महान व्यक्ति हैं जो पूरी इंडस्ट्री के लिए रात दिन 24 घंटे खड़े रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ से लेके और फिल्मी सपोर्ट से लेके। हमेशा अली भाई का हमको सपोर्ट होता है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सपोर्ट। आर्यन वेद जी, सुनील पाल जी और अली भाई का सपोर्ट होना कि मतलब ऐसा बात है इंडस्ट्री में कि हमारे लिए पूरी इंडस्ट्री की सपोर्ट हो गई, क्योंकि अली भाई एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान इंसान है, हमारे लिए लेजेंड है और पूरे हिंदुस्तान के लिए लेजेंड है। तो 45 सालों से काम करते 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 आज माशाल्लाह उनका इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम है और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए और अपना प्यार बरसाने के लिए आए, हमारे लिए बहुत 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 ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा चाहता हूँ जी जली भाई। अच्छा वेब गर्ल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेब गर्ल फिल्म इंशाल्लाह जनवरी में रिलीज़ होगी और बहुत ही हसीन खूबसूरत डायरेक्टर आज़ाद हुसैन, जैसे कि आप जानते हैं कि एक दो ज़िंदगी बना देता है और एक दो ज़िंदगी बिगाड़ देता है, जैसे हर आदमी जानता है ये बात। तो ये मेरे दोस्त ने मेरी ज़िंदगी बना दी है और मुझे सिनेमा के क्षेत्र में ला के खड़ा कर दिया और ये फिल्म इंशाल्लाह बहुत जल्द सिनेमा घरों में आ जाएगी जनवरी में। और मैं राजू मवानी सर के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, राजू मवानी सर का, जिन्होंने एक, जैसे कि आप जानते हैं आज इंडस्ट्री में कोई न्यू कमर्स पे भरोसा नहीं करता, न्यू कमर्स लोगों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन राजू सर ने हमारे पर भरोसा करके और हमारे पर उन्होंने भरोसा करके बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है। तो हम उस, ये हमारे लिए एक एहसान ही समझो कि जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में आज आप जानते हैं कोई न्यू कमर लोगों पे भरोसा नहीं करता है, आज उन्होंने हमें लेके फिल्म बनाया। सर हम आपके बहुत आभारी हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे और ये फिल्म आपके सामने बहुत जल्दी पर्दे पे आने वाली है जनवरी में। बस आपका आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बनाए रखिए और बहुत जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट टू बैचलर पार्टी। लव यू ऑल। 5 वर्षों से लगातार टाइफा यानी द इंडियन आइकॉन फिल्म अवार्ड करता आ रहा हूँ। इस बार भी 17 दिसंबर को टाइफा अवार्ड होने जा रहा है मुंबई के सारा स्टार होटल में, जिसमें हिंदुस्तानी सिनेमा के बड़े बड़े लीजेंड्स रहेंगे और ए लिस्टर्स वो कलाकार रहेंगे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोहा मनवाया है। उस मंच पर भी सीधा लाइव प्रसारित रहेगा और बहुत सारे एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, सिंगिंग आप सब लोगों को देखने का मौका मिलेगा। टाइफा अवार्ड द इंडियन आइकॉनिक एक ऐसा अवार्ड है जिन कलाकारों ने हमारे भारतीय सिनेमा को लगातार 20-30 वर्षों तक अपना योगदान दिया और कहीं ना कहीं वो लुप्त हो गए हैं। हमारी जो जूरी है, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, वो उनको ढूंढ के लेके आते हैं और उनको भी हम लोग ऑनर करते हैं। इस बार हम लोग हमारे बहुत बड़े संगीतकार रविंद्र जैन जी जो नहीं रहे, मरणोपरांत सम्मान उनको हम लोग देने जा रहे हैं, उनको सेवा जो उनके द्वारा दी गई हिंदुस्तानी सिनेमा को सेवाएं थी उसको हम लोग स्थापित करेंगे और उसको रिकग्निशन करेंगे। साथ में ही बहुत सारे लोग जो जिन लोगों ने सिनेमा को दिया है सक्सेसफुल, वैसे लोगों को ऑनर किया जाएगा 17 दिसंबर को द इंडियन आइकॉन फिल्म अवार्ड के द्वारा। बड़ी बात है कि आज सेकंड टाइम, एक बार मेरियट में भी हुई थी पार्टी टाइफा की और आज भी हो रही है। द इंडियन फिल्म आइकॉन अवार्ड जो है, जो फिल्म के सिवा हर क्षेत्र में ये लोग अवार्ड देते हैं और समीम भाई इतना बड़ा मतलब अवार्ड करते हैं, इसलिए हम उनके एक पार्ट है, मुझे बहुत खुशी है। लास्ट ईयर भी हम उनके साथ जुड़े थे और ये जो बैचलर पार्टी एंड वेब गर्ल्स जो फिल्म बना रहे हैं इसके लिए उनको दिल से हार्दिक शुभकामना और ब्राइट फ्यूचर और इनकी फिल्म अच्छा बिजनेस करे और के जो स्टार्स है वो आगे बढ़े।
इतने सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं नेशनली इंटरनेशनली, क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्व रखता है अवार्ड वगैरह आपके लिए? अवार्ड्स मिलने से ना आदमी को और काम पे काम बढ़ाने का और समाज में सेवा करने का और बिजनेस में बहुत आगे आने का एक उत्साह मिलता है। और जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं वो सिर्फ काम के जैसे नहीं मिलते, नेचर, व्यवहार, सर्विस, विजिबिलिटी, सामने वाला क्लाइंट का दिल जीतना, उनके साथ में फ्रेंडली रहना, और बिजनेस तो सभी लोग करते हैं लेकिन बिजनेस विथ हार्ट, विथ ब्रेन कम और हार्ट से ज़्यादा करेंगे तो लोग आपके साथ ज़्यादा टाइम रहेंगे। मुझे फिल्म के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं फिल्म देखने के बाद कमेंट्स दे सकता हूँ, लेकिन नाम है बैचलर पार्टी, लेकिन हर मेरिड लोग भी चाहते हैं कि वो बैचलर रहे और एंजॉय लाइफ को करें। फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे देश में जो प्रतिभाशाली हैं, सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, ये टाइफा अवार्ड के माध्यम से उनको मंच में लॉन्च किया जाएगा, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम समीम भाई जो ऑनर हैं इसके और हमारे बीच जो ब्राइट के ऑनर हैं, बहुत बड़ी बात है कि हम हमारे बीच हैं और पूरे मुंबई में जो पोस्टर लगे हैं इनका एक सहंसा है मुंबई की, बहुत बड़ी बात है, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। टाइफा अवार्ड के माध्यम से पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जाता है क्योंकि टाइफा अवार्ड के माध्यम से जो फिल्म जगत के जो अच्छे प्रतिभाशाली हैं, नवयुवक हैं, नौजवान हैं, नए नए एक्टर हैं, उनको लॉन्च किया जा रहा है। और देश में जो अच्छे सोशल वर्कर हैं जिन्होंने क्षेत्र के लिए, मानव कल्याण के लिए जो अच्छा कार्य किया गया है उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पहला टाइफा अवार्ड होगा, इस अवार्ड के माध्यम से सबको अवार्ड दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। Why is it looking hot? Just because you see a lot of legs. Legs. I guess. Yeah. But that's a matter of perspective. Hot, I mean, you know, whether it's hot, whether it's sexy, whether it's appealing, that's a matter of perspective. So I think it's interesting, you know, and I think the producers need to do what they need to do to attract the audience. So yeah, so I mean, it looks like it's I can't tell what it is, but yeah, it looks interesting. Okay, what is your point of Bachelor Party?
Well, Bachelor parties haven't evolved much over the years. They still seem to be places where people get together and have a lot of vicarious fun. But, I don't know what the script of this film is going to be like or what it's all about. But it just seems like a fun film. And what's your professional film part doing? Yes, I've just completed two films. I'm also working on television serials that are currently aired for me. So that's it. Thanks, sir. Thank you. Thank you. Thank you. काफ़ी अच्छा कैरेक्टर किया है और काफ़ी मज़ा आया और डायरेक्टर ने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया, बहुत ही मज़ा आया पूरी टीम के साथ, सब लोगों के साथ। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, आप लोग देखने के बाद ही बिलीव कर सकते हो। और क्या है कि लड़कियां आजकल जो मतलब ऑनलाइन चल रहा है वैसा, मतलब हमने बहुत कुछ मैसेजेस उसमें दिखाए हुए हैं, सो वेरी गुड। क्या दिखाने की कोशिश की गई वेब गर्ल्स के द्वारा, क्या मतलब है दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे नेगेटिव आस्पेक्ट्स शो करते हैं कि कैसे? हाँ, नेगेटिव ही नहीं बोल सकते हैं हम उसको। ये दिखाने की कोशिश की है कि ऑनलाइन जैसे लड़कियाँ मतलब कि फिजिकल्स होती हैं, ऑनलाइन वो करती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। वो मैं अभी बता दूंगी तो फिर मूवी देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो आपका पर्टिकुलर रोल क्या है, आपका रोल क्या है? मैं इसमें एक हाउसवाइफ होती हूँ और जो साइको होता है वो मतलब कि लड़कियों को लेके थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो वो मुझे मतलब मेरा मर्डर कर डालता है लास्ट में, या मेरा मर्डर कर डालता है लास्ट में और मुझे रेप करने की कोशिश करता है और बहुत सारा कुछ है। आप देखिए तो मज़ा आएगा, आप मुझसे सब कुछ पूछ लोगे तो मूवी कब देखोगे? सॉरी, इसके अलावा कुछ प्रोडक्शन काम कर रही हैं? या अभी एक मेरी मूवी आने वाली है गुजरात में, लव इज़ लव, तो उसमें अभी मेरा काम स्टार्ट हुआ है। और बाकी मैंने छोटे मोटे काम किए हुए हैं, साउथ में भी किया हुआ था और शॉर्ट फिल्म्स भी की हुई है काफ़ी। या थैंक यू।
तरफ से दोनों जितना पूरा टीम जो है, जो डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस एंड जो भी कास्ट एंड क्रू जो काम कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सिंगर हूँ। मेरे टी सीरीज से लव सब प्यार प्यार आया है, वो सॉन्ग जिसम एक सॉन्ग है मेरा, वो भी अच्छा चल रहा है आप लोग की मेहरबानी से और मेहरबानी से। और नेक्स्ट मूवी मेरी टी सीरीज से ही आ रही है, उसका नाम है बहुत ही अटपटा सा नाम है, हाँ जैसे आप लोगों ने सुना हैंगओवर, तो मेरा जो मूवी है वो भांगओवर। हाँ तो हर कोई पूछना चाहता है ये नाम कैसे है, मतलब आप लोग का कैसे ना ये नाम पड़ा, तो हमारे डायरेक्टर जी जो है उन्होंने बहुत सोच समझ के ये नाम रखा है, शायद ये नाम काम कर जाए। और मेरी तो हमारी तरफ से दिल से शुभकामनाएं हैं पूरे टीम को कि हमारा मूवी जो हैंगओवर है आने वाली है, ये 17 नवंबर को आने वाली है, आप सोच लीजिए बहुत नज़दीक है, तो आप लोग भी हमें शुभकामनाएं दीजिए कि हमारा मूवी बहुत अच्छा चले। थैंक यू। नो डाउट इट्स अ गुड थिंग, बॉलीवुड में अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं अभी और एंटरटेनिंग है, ऑडियंस को बाकायदा पसंद आएंगी और टाइटल से ही वाकिफ़ हैं हर तरह से, और एक जो कम्बिनेशन बना है फिल्म का, दोनों फिल्मों का जो कम्बिनेशन है बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, और लेट्स गुड ऑफ। मैं बधाई देना चाहूँगा प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर साहब को, और इतनी अच्छी पार्टी रखी है और सभी आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट भी किए और मीडिया भी ने भी उसको अच्छा कवरेज दिया है। मैं मेरी तरफ से माईसेल्फ राज चौहान, और मैं बता दूँ अपने बारे में, मेरी भी एक फिल्म अभी लगी हुई है रक्तधार, तो ऑडियंस का उसको बहुत प्यार मिला है और मेरी 100 डेज पूरी हुई है माफी बिग बॉस, तो इसी तरह से जैसे जैसे दो फिल्में मेरी सुपरहिट दी है ऑडियंस ने लाइक किया, इसी तरह से हमारे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दो फिल्मों के लिए बजट बनाया है और एक प्लानिंग की है, तो उसको भी एक अच्छा अप्रिशिएशन मिले। थैंक यू। एंड अभी मैं यहाँ पे आई हूँ बैचलर पार्टी की जो भी प्रीमियर है, एंड आई रियली लाइक इट एंड दे आर वेरी गुड, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, सो जस्ट गाइस बेस्ट ऑफ लक। योर सरनेम इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। बिफोर आई आस्क यू एनीथिंग, व्हाट आर यू डूइंग इन योर, नो आई एम नॉट डूइंग एट ऑल, आई एम जस्ट कमिंग हियर टू जस्ट इंस्पायर देम, दैट्स इट। एनीथिंग एल्स यू हैव डन इन बॉलीवुड? I am in a serial actress and I have done many serials right now. I am doing for Bhagya, you can see me. And I do only serials and working for Tamil movie as well. We'll let you know, jaise hi confirm hota kuch bhi. Okay. Do you think TV is the best industry to work in the Bollywood? Yeah, I think so. Your experience working in Kumkum Bhagya, how's the experience? Kumkum Bhagya, they all are very good and especially Shabbir Ahluwalia, I'm a very big fan, die hard fan of him, and he's a very nice guy, and as well as that girl is playing Pratibha, so she's also very nice. This Srishti Jha, she's my very good friend as well. Okay, not at all. I was feeling very happy and they all are very good friends. You know, the poster is very good, the design mostly is, you know, looking dashing and as a girl, so this is it. Name is Web Girls. Okay, you know, do you, Web Girl, obviously, do you know, Web give you more liberty as compared to films where the sensor is there, the board is there? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हमने जो भी मतलब इस फिल्म में पिक्चराइज किया, आजाद सर ने जो भी किया है, आजाद हुसैन जी ने डायरेक्ट किया है, सो रामगोपाल वर्मा मुस्लिम एकदम आगे बढ़ गए, आई डोंट नो आपने रामगोपाल वर्मा की वेब सीरीज देखी है नहीं? हाँ, अभी तो वेब सीरीज में ये सारी चीज़ें हो रही है, पर जहाँ तक हमने सिल्वर स्क्रीन की मूवी की है और वी होप के वी आर लुकिंग फॉरवर्ड यू नो टू सी द मूवी वर द मूवी इन सिल्वर स्क्रीन, सो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पार्ट, ऐसा कोई कुछ ऐसी मुद्दे नहीं आएंगे, ऐसे मुद्दे नहीं आएंगे जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो या फैमिली के साथ भले ही ना देख पाए, पर कॉलेज गोइंग यूथ बहुत इंजॉय करेगा। हाँ, इसे ऑब्जेक्शन मुझे नहीं लगता, इसे कहीं ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ आजकल सोसाइटी में हो रहा है, तो इन चीज़ों से आजकल सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। यूएसपी क्या रहेगी, सेक्सीनेस ऑफ गर्ल्स और द बॉलीवुड कंटेंट? एक्चुअली ये यूएसपी अगर है इस फिल्म का, तो इस फिल्म का जो मैसेज है वो इसका यूएसपी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, नकारात्मक दिख रहे हैं।
जो नकारात्मक जो हर्ष होता है नेगेटिविटी, इसको कोई नहीं दर्शाता। तो ये इसका मैसेज, इसका यूएसपी, ये सेक्स यूएसपी नहीं है, मैसेज इसका यूएसपी। That is the most important thing in this film, and you should watch it. Thank you so much. Yeah, I'm into this film, so I'm Sumana Gupta, and I hope you people will watch me in a good way in this film. Okay, bye. Please blow either. क्या पूछना चाहते हो? सर क्या कहना चाहेंगे, दो फिल्म का लॉन्च हुआ है, एक तो बैचलर पार्टी, दूसरा वेब कट, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी गुड पार्टी टुडे। और फिल्म के बारे में ये है कि शमीम भाई ही इज़ ए वेरी सेंसिबल पर्सन, और आज़ाद हुसैन ऑलरेडी 200 फिल्में एडिट कर चुका है, जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा डायरेक्टर बन के आए, एक अच्छी फिल्म बनाए, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री है, कब कौन कहाँ पहुँच जाए कुछ नहीं बोल सकते, तो इंशाल्लाह विल बी द रॉक। और आशीर्वाद देने योगेश भाई जैसे लोग आए हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। योगेश भाई आपका कितना आशीर्वाद रहेगा दोनों फिल्म पे? जितने भी सुपरस्टार हैं उनके लाइफ की पहली पिक्चर मैंने की है, तो मैं भी ये फिल्म को सपोर्ट करेगा और मेरा हाथ लग के 90% लोग बोलते हैं कि 100 में से 99 मूवीज के काम मेरे हैं और सुपर डुपर सक्सेस भी है, तो ये फिल्म भी हिट हो गई और इनका ब्राइट फ्यूचर हो गए और ये लोग भी आगे बढ़े, ऐसे दिल से मनोकामना। देखिए आई एम प्लानिंग मूवी बट नॉट 17-18 में, इंशाल्लाह आई विल बी द लॉन्च। और अभी तो हम सीरियल में इतना बिजी हैं कि टाइम मिल ही नहीं पा रहा है, तो ये एक बार सीरियल से फ्री हो जाए तो फिर फिल्म का प्लान है हमारा।